हम जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ लोग अच्छे ढंग से जिए, अपने राज्य में अपने राज्यवासी लोग ढंग से जिए, हम लोग ये प्रयास करने आए हैं। बदलाव कैसे हो, हम लोग विचार बन के आए हैं, ना कि शरीर बनकर आए हैं कि आने वाले 24 में आने वाले 29 में विधायक हमारे बीच का कोई इंसान जाए, हमारे विचारों का कोई इंसान जाए, हम लोग ये सोच रहे हैं। और तमाम साथियों को जैसा कि हमारे जाने कहा, शुरुआत राय धन्यवाद से ही करते हैं। और यहाँ तो अपन भी है, क्योंकि जो है वो न घर का है न घाट का है। घर था, आखिर आपने वोट क्यों दिया था जेबीएम के नाम से? जनता को लात मार के बीजेपी में चल गया है, क्या लगता है बीजेपी 2024 में सीएम इसको प्रोजेक्ट करेगा? मनोयदा से बात हो रहा, चुपे चुपे क्या लगता है? लंगड़ा घोड़ा पे बीजेपी दांव नहीं खेलती। भले हमारी आयु कम है, छोटी है, लेकिन आप हम गारंटी बोलते हैं, मरांडी जो कभी बोलते हैं, आप पे दांव नहीं खेला जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कुतुब मीनार ना सही धनवार के ब्लॉक की सबसे ऊंची छत पे चढ़े जाइए, माइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप जनता से माफी मांगे, आंदोलनकारी आपका 24 में स्वागत करती है। प्रचार करने के लिए गार्जियन बनने के लिए रास्ता दिखाने के लिए विधायक तक छोड़ नहीं बनते, 17 साल हो गया उनका, 17 हुआ है ना, गूगल कीजिए उनका स्वागत है। आधा वीडियो कौन चलाएगा? राष्ट्र पॉपुलर पार्टी फोन करेंगे, पूरा चलाइए, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक है, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं, भले थोड़ा लोभ है, इसीलिए जे भी अब छोड़ के जनता ने जिताया किधर से चल गया किधर, लेकिन आज भी उनसे कहेंगे आप कुतुब मीनार की छत में ना सही, राज धनवार की किसी ऊंचे छत में आप चल जाइए सर, और जनता से माफी मांगे कि आपने हमें जिताया था, हमसे भूल हुई, हमने पाला बदला, हमने ईमान बदला, हम वापस आते हैं, नौजवानों के साथ आते हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ 2024 में, दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए, बाकी विधायक को 6 पॉइंट बन दो, नहीं तो सर कंट्रोल रात को ये बॉन्ड बोर्ड देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेरा जहाँ जहाँ सभा हुआ था, लगभग 2 मंत्री हमको फोन किया था, नाम नहीं लेंगे ना, तो बोले यार नाम ना, बोले बोला कि कुछ भी हो जाए मेरा इलाका मत था, क्षेत्र मैंने आपका उत्तरी छोटानागपुर ही था, हजारीबाग के आसपास का ही क्षेत्र था, उधर पड़ोसी, बोले मेरा इलाका में मत आओ, हम बोले सर आप कौन बोल रहे हैं? बोला मंत्री जी, बोले सर 10 बज गया, बड़ी नींद आ गई सुबह फोन किया, उनका बीए को बोला, बोला यार बड़ा है टिट्टू ने छोड़ा का, बोले सुनिए गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार अगर फोन करेगा हम लोग बात करेंगे, मंत्री लोग से थोड़ी बात करते हैं, अगर मंत्री और विधायक से फिर बात करने लगे, जी सर बोलिए, तो लाना था इस आंदोलन पर अंधाधुंध हम लोगों को। सरायकेला में जब हमारा श्रद्धांजलि सभा था, उस जिला के टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी का फोन आया था, उनसे 7 मिनट बात हुआ था, हमने जैसा उन्होंने बात किया था बिल्कुल बात हमने भी वैसा ही किया था, उन्होंने एक लाइन कहा था, सुनिए ना आप अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर लीजिए जयराम बाबू, हम बोले सुनिए सर आप माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दो, आप पता कर लीजिए, शायद मुझे लगता है इतिहास में पहला अवसर था जब सरायकेला गोलीकांड जो आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग था, मुख्यमंत्री को अपना सभा कैंसिल करना पड़ा था, जबकि आप कंटिन्यू पढ़े होंगे एक सप्ताह से कि मुख्यमंत्री का टाइम है 11 बजे से 1 बजे के बीच, और मेरा टाइम दिया गया था 2 बजे कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे उसके बाद आप आइएगा, लेकिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो आप सभा कैंसिल कर दीजिए, हमने एक ही लाइन कहा था, बिना डरे उस पुलिस अधिकारी जिनका ज्यादा स्टार था पावरफुल अधिकारी, हमने एक ही लाइन कहा था
अभी दादा बोले थे सर सिर्फ कुछ नहीं, बोले दादा आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, हमें जवान दिया है, आज यदि हमारे पांव पीछे हटेंगे तो फिर भविष्य में कोई नौजवान आंदोलन नहीं करेगा, लोग उसे ताना मारेंगे, ये तो छोड़ा हले रे टॉगर नाम में तो टाइगर भी निकल आ रहा है, वो पीछू घसा के लगे तो हनी को ध्यान के मुली लग रहे, हमने एक लाइन कहा याद अगर हम पीछे हटेंगे सर, याद अगर हम पीछे हटेंगे भाई, तो आने वाले दिन अगर कोई नौजवान आंदोलन करेगा, यदि कोई नौजवान लड़ेगा अपनी लड़ाई वो शर्मसार हो जाएगा, इसीलिए अगर हमने कोई खतरा है हमें दीजिए पीछे नहीं, इसलिए आप निवेदन होगा आज